हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे पार्ट टू के, जो कि हमने कहा था कि इम्पोर्टेंट डे हमारा जीके की क्लास है। पहले ही मैं बता रहा हूँ और आपको बता दूँ कि जीके की क्लास का ये हमारा आज फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट डे होंगे इसमें हम कवर करेंगे। और आपने यदि तक जनवरी का नहीं देखा है सारा, तो मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया था, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। नहीं तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका, तो आप जरूर से वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। 1 फरवरी, दोस्तों 1 फरवरी को मनाया जाता है तट रक्षक दिवस। जैसा कि आपको पता भी होगा बहुत से स्टूडेंट को, जिसको नहीं पता तो उनके लिए तो भाई करवाना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा करवा दूँ। अब दोस्तों 4 फरवरी को देखिए, नेक्स्ट 4 फरवरी को हमारा विश्व कैंसर दिवस। तो दोस्तों इसमें थोड़ा फैक्ट भी दिया हुआ है, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को कैंसर रोग के बारे में जानकारी बढ़ाने तथा कैंसर की रोकथाम की पहचान एवं उपचार को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने वर्ष 2008 में कैंसर विश्व कैंसर स्थापित किया था। दोस्तों क्लियर, 4 फरवरी को हमारा हो गया। अब नेक्स्ट एक चीज़ और मनाया जाता है 4 फरवरी को, तो देखिएगा श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। श्रीलंका में 4 फरवरी 2018 को 70वां स्वतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था दोस्तों, और अब कितना मनाया जाएगा, 72वां 4 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब बात करते हैं 9 फरवरी। 9 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। दोस्तों क्लियर, सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 9 फरवरी को। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 10 फरवरी को, आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। और राष्ट्र 10 फरवरी को एक चीज़ और मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस, जिसमें थोड़ा सा फैक्ट भी दिया हुआ है। भारत में हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस मनाया जाता है। 1 से लेकर 19 वर्ष की आयु के बच्चों में आंतों की कीड़े संक्रमण के इलाज के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली वर्ष 2015 में मनाया गया था दोस्तों, और राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस के बनाने का लक्ष्य मुख्य नागरिकों के बीच कीड़ा संक्रमण के प्रति जानकारी बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, अब 11 फरवरी की बात करते हैं। तो 11 फरवरी को मनाया जाता है हमारा बीमार का विश्व दिवस, बीमार का विश्व दिवस। नेक्स्ट है हमारा 11 फरवरी को एक चीज़ और है, यूनानी चिकित्सा दिवस। दोस्तों यूनानी चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट बात करते हैं 12 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, जो कि हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भारत में मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12-18 फरवरी तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 61वीं वर्षगांठ में वर्ष 2019 में तथा इस दिवस को डायमंड जयंती रूप वर्ष के रूप में भी आयोजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है। 13 फरवरी को आप देखेंगे तो सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होगा आप 13 फरवरी को एक चीज़ और मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को, जो कि दुनिया भर में हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस स्तर पर मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस विश्व स्तर पर रेडियो के द्वारा विश्व के नागरिकों को एक मंच प्रदान करने हेतु मनाया जाता है। और दोस्तों आपको आगे 3 नवंबर 1911 को अपनाया गया था 8वां विश्व रेडियो दिवस का आयोजन 13 फरवरी 2018 को विश्व स्तर पर किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं आप 14 फरवरी की। तो 14 फरवरी को दोस्तों पंडित दीनदयाल पुण्यतिथि है, जो कि आपको पता होगा कि मुगलसराय का नाम पंडित दीनदयाल रख दिया गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 20 फरवरी को, विश्व फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है दोस्तों, 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। न्याय भाव को विश्व भर में जागृत करने के लिए विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 20 फरवरी को एक चीज़ और है दोस्तों,
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 21 फरवरी को। 21 फरवरी में हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आ जाएगा, जिसमें पूरे विश्व भर में हर साल 21 फरवरी को विश्व मातृ दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भाईचारा भूषावादी तथा सांस्कृतिक विविधताओं को महत्व देना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 22 फरवरी की, तो 22 फरवरी को हमारा मनाया जाता है विश्व रुकावट दिवस, विश्व रुकावट दिवस। और नेक्स्ट हमारा है दोस्तों 24 फरवरी, 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। भारत में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, और आप समझ गए इतना पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 27 फरवरी को, 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत मनाया जाता है 27 फरवरी को। तो आप याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय भौतिक विज्ञान सत्र पर चंद्रशेखर वेंकटरमन के रमन भाव की खोज को यादगार चिन्हित कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 28 फरवरी को एक चीज़ और मनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुण्यतिथि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुण्यतिथि मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 29 फरवरी को, 29 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, जो कि नशा मुक्ति मनाया जाता है कि आपको पता होगा। और आज का हमारा 29 फरवरी जितने भी हमने इंपॉर्टेंट डेट थे हमने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर बताइए, और आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि इंग्लिश की क्लास भी हमारी स्टार्ट हो गई है, नहीं होने वाली है जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। तो बस आपने कल वीडियो देखा होगा, इंग्लिश के सर थे वो जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई नहीं, उस वीडियो में बस इन्फॉर्मेशन था कि, तो वो वीडियो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि अब इस वीडियो में आपको जितने भी थे फरवरी के क्लियर हो गए, कल मैं आपको मार्च के करवा दूँगा जितने भी होंगे जल्दी जल्दी करके। टॉपिक आपके जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो भी डिफेंस का सिलेबस है, एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, सबका सिलेबस मैंने चेक कर लिया है, मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में, नहीं देखा है तो कोई नहीं। तो अब पर डे क्लास अभी से भी लेना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके एग्जाम तक आते आते सारे सिलेबस हम कवर कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे 2 से 3 बार। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही कहूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़रूर शेयर करा करें दोस्तों को, क्योंकि हमें बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आपको भी पता होगा। और तो बस आपका एक लाइक और एक कमेंट में रिप्लाई तो बहुत मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लाएँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।